श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को कम मत समझो, आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, लोगों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। इसलिए इंतजार मत करो, तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो, याद रखो पानी में डूबने से जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का मतलब है कि आपको इसमें सुधार की जरूरत है। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथ और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो आप क्या चीज हैं? अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठते हैं, अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता।